नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता लेडी डॉक्टर केस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों, 90 दिनों के बाद भी कोलकाता केस में बहुत सारी उलझने आ रही है और अभी तक बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर बिटिया को बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप आगे वीडियो में जानेंगे कि बहुत जल्द डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 90 दिनों के बाद भी ममता सरकार कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन अब 90 दोनों के बाद कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में, डॉक्टर बिटिया के मामले में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों, इस बात को तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाए तो वह केस बहुत जल्द सुलझ जाता है, तो डॉक्टर बिटिया को भी बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी से स्पष्ट कहा दिया है कि या तो आप दरिंदों की पक्षपात करना छोड़ दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो आप दोषियों को बचाना छोड़ दे, दोषियों का साथ देना छोड़ दे, अन्यथा इसका परिणाम भुगतान के लिए तैयार रहो। इसी के साथ योगी ने भी ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी चाहे राजनीतिक हो या फिर आम आदमी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस बात से पता लगाया जा सकता है, इस बात से समझा सकते हैं कि डॉक्टर बिटिया को बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की एंट्री से कोलकाता की ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा है कि इस कांड में ममता बनर्जी तुम्हारा भी हाथ हो सकता है, इसलिए तुम इन दरिंदों को बचाना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है, यदि आप अपनी कुर्सी को बचाना चाहती है, अपनी इज्जत को बचाना चाहती है, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती हैं, तो बिटिया के केस से दूर हो जाओ, अन्यथा दोषियों के साथ इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना होगा। दोस्तों, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि पूरा देश चाहता है कि लेडी डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, लेकिन कोलकाता की ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि दोषियों को सजा मिले और बिटिया को न्याय मिले। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी कोलकाता जरूर लिखें, ताकि आप लोगों की यह आवाज सरकार तक पहुंचे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया कैसे को आज 90 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद की किरण सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को व पुलिस को स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है, डॉक्टर बिटिया के केस में जितने भी आरोपी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या तो पकड़कर उनको एनकाउंटर कर दिया जाए या फिर उनको फांसी पर लटका दिया जाए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहन बेटियों के साथ हो रहा ऐसा दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत में आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि बहन बेटी को लेकर एक नया कानून आगे लागू करेंगे। कानून ऐसा होगा जिसमें बहन बेटी सुरक्षित रह सके, उनकी हिफाजत हो सके,
अपराध करने वाला, दुष्कर्म करने वाला दरिंदा अपराध करने से पहले हजार बार सोचेगा कि वह जो अपराध करने जा रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डॉक्टर बिटिया कोलकाता की कहानी को सुनकर अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एंट्री से क्या बिटिया को न्याय मिलेगा? यदि आपको लगता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी की एंट्री अब बिटिया को न्याय मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर कोलकाता जरूर लिखें। तो दोस्तों, अभी भी लेडी डॉक्टर बिटिया के केस में बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ दरिंदे पड़े गए हैं और कुछ दरिंदों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जल्द से जल्द इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा रैकेट होता रहा है, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है। और डॉक्टर बिटिया के माता पिता को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी रखा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बिटिया की माता पिता को आर्थिक सहायता की जरूरत है। जब तक डॉक्टर बिटिया की माता पिता जीवित रहेंगे, तब तक सरकार इनका लालन पालन करती रहेगी, इनको सहायता देती रहेगी, चाहे वह सरकार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर और कोई सरकार हो। डॉक्टर बिटिया की माता पिता की सहायता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि आरजी कर कोलकाता हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बिगड़ने में सबसे पहले हाथ उनके माता पिता और उनके परिवार का ही होता है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो भविष्य में चलकर वह कभी गलत नहीं करेंगे, इसलिए संदीप घोष के परिवार को समाज से बर्खास्त कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संदीप घोष के परिवार को समाज से बर्खास्त करने में क्या कोई फायदा हो सकता है? दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि संदीप घोष जैसे व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाए कि उसकी सात पुश्तें भी उसे सजा को याद रखें। जब तक ये दरिंदा जीवित रहे, तब तक अपनी करनी का फल भोगता रहे, ऐसी इसको सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका दिमाग में भी संदीप घोष जैसे दरिंदे के लिए यदि कोई सजा आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि संदीप घोष, संजय राय जैसे दरिंदों को क्या सजा होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ममता बनर्जी से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, या तो आप इन दरिंदों को बचाना छोड़ दे, इनका पक्षपात करना छोड़ दे, अन्यथा योगी बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है और सबसे पहले ममता बनर्जी तुम्हारे भवन पर यह बुलडोजर गरजेगा और उसके बाद सभी दरिंदों के घरों पर यह बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ की इन बातों को सुनकर ममता बनर्जी बिल्कुल भौंकला गई है। अब ममता बनर्जी को लगने लगा है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल चुप्पी साथ में बैठी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट बॉक्स में फीमेल डॉक्टर बिटिया कोलकाता जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।